तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में पीटीएस का फॉर्म कैसे आप डाउनलोड करोगे, कैसे फिल करोगे। हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे यहाँ पे डाउनलोड करोगे, पीटीएस का फॉर्म फिल करोगे। तो चलिए हम हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पीटीएस का फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे फिल करते हैं। तो चलते हैं पीटीएस वेबसाइट की तरफ। ये देखिए, जैसा कि मैंने ओपन कर दिया है पीटीएस, आप लिखिए गूगल पे, इसको ओपन कीजिए आप। जैसा कि ये ओपन हो जाए तो उस पर ऐसा शो आएगा, आप जो जो लेटेस्ट जॉब्स आई हैं, जैसा कि सिंध पुलिस में जो CSSU कमांडर क्लर्क्स ये आई हैं, इसको आप ओपन कीजिए। यहाँ पे इसमें तीन कैटेगरियाँ हैं, सिंध पुलिस SSU कमांडोज में कराची रेंज में जॉब्स आई हैं, इसके अलावा हैदराबाद रीजन में आई हैं, ये देखिए। उसके अलावा सिंध पुलिस SSU कमांडो सखर रीजन में आई हैं। तो जैसा कि यहां से आप डाउनलोड करोगे, बिल्कुल इजी वे है इसका। व्यू डाउनलोड्स कीजिए इसको, इसको व्यू डाउनलोड्स करोगे। यहां पे आप देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश, यहां पे उर्दू में है, इंग्लिश में। यहां से आप डाउनलोड करोगे, हर तफसील उसमें लिखी हुई है। और आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म ये आप देख रहे हो, फॉर्म पोस्ट पुलिस कांस्टेबल, तो इसको आप ओपन करोगे। फर्स्ट ये है, और लेडी पुलिस के लिए ये है, ये आप देख रहे हो, लेडी पुलिस के लिए ये पोस्ट टू, फॉर्म पोस्ट टू लेडी पुलिस कांस्टेबल। और इसके अलावा जो है ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के नीचे है ये। जैसा कि मैं ये डाउनलोड कर चुका हूँ, इसको मैंने ओपन कर दिया है, हैदराबाद रीजन। ये फॉर्म आप देख रहे हैं, इसको फिल करने का तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे देख रहे हो फुल नेम ये लिखा हुआ, यहाँ पे फुल नेम आप दीजिए, कैपिटल में लिखिए। यहाँ पे फादर नेम है, यहाँ पे आप फादर नेम लिखोगे। उसके बाद जेंडर है, सेलेक्ट करोगे मेल। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आप दोगे डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ ईयर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, मैंने इसको ओपन कर दिया, ये देख रहे हो हैदराबाद रीजन। तो इस पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है, कैपिटल में आपको लिखना है, यहाँ पे फुल नेम लिखना है। इसके अलावा फादर नेम है, यहीं पे लिख दो आप। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करोगे आप, मेल फीमेल जो है यहीं पे आप लिखोगे। डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ और ईयर के हिसाब से यहाँ पे लिखना है आपको, CNIC आपको यहाँ पे लिखना है। फिर ये आप देख रहे हो री इंट्री CNIC, फिर आपको यहीं पे लिखना है, आपको दो दफ़ा है लिखना, पहला इधर उसके बाद नीचे CNIC नंबर, री इंट्री, री इंटर कीजिए आप इधर। उसके अलावा मोबाइल नंबर आप दोगे यहीं पे, फिल करना है यहाँ पे। ईमेल अपना जो आपका है वो आप यहीं पे दोगे। परमानेंट एड्रेस जो आपकी होगी, पता आपका होगा, वो यहाँ पे आप दोगे। उसके अलावा रीजन, रिलीजन आपका मज़हब कौन सा है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, तो यहीं पे आप मुस्लिम हो अगर मुस्लिम सेलेक्ट करोगे। उसके अलावा डिसेबिलिटी कौन सी आपकी, माजूर हो यानी कि अगर हो येस तो येस पे क्लिक करोगे, अगर नहीं हो तो नो आप कर दें, नो पे आप क्लिक कर दें, इसको सेलेक्ट कीजिए इसको। करंट ऑक्यूपेशन आप क्या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या प्राइवेट सर्विस में हैं काम कर रहे हैं आप, जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, या एक्स सर्विस थी आपके पास पहले, आप सर्विस में थे, यहाँ पे आप जॉबलेस हैं, तो यहाँ पे जॉबलेस सेलेक्ट करोगे कि आपको कोई जॉब वगैरह नहीं है। ये बिल्कुल आसान है फिल करने का तरीका, ये आप कीजिए। तो इसके अलावा हम चलते हैं आगे, ये ऐसे फिल हो जाएगा आपका। नीचे चलते हैं हम, ये है सेंटर डिज़ायर, जी हाँ ये देख रहे हो डिज़ायर्ड टेस्ट सेंटर। तो इसमें से आपका डिज़ायर टेस्ट सेंटर, फॉर एग्जांपल आप हैदराबाद से हो तो हैदराबाद में जो आपको करीब पड़ता है, हैदराबाद के हो आप हैदराबाद सेलेक्ट करो। मीरपुर खास के हो तो मीरपुर खास सेलेक्ट करोगे। शहीद बेनज़ीराबाद के हो तो वहीं के नवाब शाह के, वहीं के यहाँ पे जो भी सिलेक्ट, मैं जैसा कि मैं हैदराबाद से हूँ तो हैदराबाद हम यहीं पे सिलेक्ट करेंगे। तो आप जिस शहर के हो, हैदराबाद से हो, मीरपुर खास से हो, तो वही सिलेक्ट कीजिए आप यहीं इधर, ये करना है। उसके अलावा आगे पढ़ते हैं हम। हाँ तो ये क्वालिफ़िकेशन का सेक्शन आ गया है यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे फिल
अच्छा कि आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो यहीं पे आप मैट्रिक लिखोगे, उसके बाद ईयर पासिंग है। ईयर पासिंग में जो जिस साल में आपने पासिंग की हुई है, फॉर एग्जांपल कि आपने 17 में क्लियर किए मैट्रिक, तो यहाँ पे आप 2017 लिखोगे। सीजीपी ऑप्टेन मार्क्स जितनी है आपकी वो लिखोगे, टोटल मार्क्स यहीं पे आप लिखोगे। परसेंटेज इधर आ गई आपकी, यहाँ पे आप परसेंटेज लिखोगे। डिवीज़न आप यहीं पे लिखोगे, परसेंटेज और डिवीज़न यानी कि ग्रेड आपको वहीं पे मिल जाएगा। मार्कशीट में नीचे आप देखोगे वहाँ पे परसेंटेज होती है, ग्रेड होता है, वो आप यहीं पे शो करोगे, लिख दोगे। उसके अलावा इंस्टीट्यूट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया हुआ, इंटर की हुई है, जिस क्वालिफिकेशन पे आप ये फॉर्म फिल करना चाह रहे हो वो आप यहीं पे लिखोगे। आप हैदराबाद से बिलोंग करते हो, हैदराबाद से आप, तो BIAC हैदराबाद यहाँ पे लिखोगे बोर्ड का नाम। अगर यूनिवर्सिटी का बैचलर का आप यहाँ पे दे रहे हो तो सिंध से किया है तो आप यूनिवर्सिटी आप सिंध दोगे यहीं पे। ये हो गया, ये क्वालिफिकेशन का था जो हो गया क्लियर। उसके अलावा हम नीचे चलते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस ये देखिए, यहाँ पे आपको ये आई हैव साइंड थंब माई एप्लीकेशन फॉर्म, यस इसको यस क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए। आई हैव प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इसको क्लिक कीजिए आप। आई हैव अटैच द कापी ऑफ माई नादर NIC, जी हाँ इसको क्लिक कीजिए, इसको क्लिक, इस सब को आप क्लिक करना है। आई हैव पेड एंड अटैच द फी चालान फॉर्म, इसको आप क्लिक करोगे। उसके अलावा फ़ोटो है, रिसेंट फ़ोटो जो है वो पुराना नहीं देना है, 2 या 3, 4, 5 साल पुराना आप उठा के आप भेज देते हो कहीं भी, कोई ऐसे करते नहीं। आपका रिसेंट जो अभी अभी आपने निकलवाया है, 1 हफ्ता 10 दिन है, 1 महीना है, कोई मसला नहीं है, वो आप दोगे। तो इसको आप क्लिक कीजिए कि मैं ये पूछ रहा है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, यस आप क्लिक कर दो इसको, सब चीज़ को। ये भी हमारा हो गया। इसके अलावा ये है अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट, जी हाँ यहाँ पे आपको लिखना है जो भी आपका नाम है, जैसा कि मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, सनाब मोहम्मद आचर, यहाँ पे मैं लिखूँगा मोहम्मद अवैस और मोहम्मद आचर, ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे रिसेंट फ़ोटो है जो मैं अपनी तस्वीर लगाऊँगा, यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए। इसके अलावा आप ये देखिए डेट एंड लेफ्ट थंब, जी हाँ राइट नहीं लेफ्ट थंब जो है आपको यहाँ पे देना है। कैंडिडेट सिग्नेचर आपको यहीं पे करनी है। तो ये आपका फॉर्म मुकम्मल फिल हो जाएगा, कंप्लीट फिल हो गया। इसके अलावा आप पेमेंट जो चालान है इसका, ये आप देख सकोगे 325 है, तो ये आप फिल करके, यहाँ पे आपका फुल नेम आएगा, इसको फिल कर फादर नेम, मोबाइल नंबर, CNIC जो भी है वो यहाँ पे आप दोगे। जिस पोस्ट के हिसाब से आप वो देना चाह रहे हो वो आपको फॉर्म में डाउनलोड करोगे, उसमें लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पोजीशन लिखी हुई है पुलिस कांस्टेबल, तो मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ इस पर, तो ये मैं फिल करूँगा। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है, 4, अपना नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, CNIC, इसके अलावा ये होता है कंप्लीट, ये आप बैंक में जमा करवाओगे। तो ये है, देखते हैं इसको, जी हाँ ये देखिए, ये है बैंक डिपॉजिट स्लिप, ये आप देख रहे हो बैंक डिपॉजिट स्लिप PTS कॉपी, ओके। इसके अलावा नीचे है, ये है बैंक डिपॉजिट स्लिप बैंक कॉपी, वो PTS की कॉपी है, ये बैंक कॉपी है। जब आप ये फीस जमा कराओगे बैंक में तो ये बैंक वाले कॉपी नीचे वाले रखेंगे, आपको देंगे ये ऊपर वाली, ये PTS स्लिप वाली कॉपी वाली, इसको आप फोटो कापी करवा के एक अपने पास रखिए, बाकी ओरिजिनल आपको भेजनी है अटैच करके डॉक्यूमेंट के साथ। तो हम चलते हैं आपको ये कहाँ, किस एरिया, किस एड्रेस पे सेंड करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है उन्होंने फॉर्म में, ये देखिए बाय पोस्ट मेल टू पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस PTS, PTS हेड क्वार्टर 3rd फ्लोर, अदिल प्लाजा, फजल हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। हाँ तो इस पे आप ये सेंड करोगे, ये मुकम्मल होता है आपका फॉर्म फिल। इसके बाद ये आपका हर डिटेल यहीं पे आ गई। इसके अलावा ये इसको आप इस एड्रेस पे सेंड कर दो किसी भी कोरियर के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी सी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।